बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी हम सब हमारे संतों द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। एक बार की बात है, एक कॉलेज में लगभग 40 छात्र पढ़ाई करते थे। पढ़ाई चल रही थी, इतने में अचानक पीछे की बेंच में बैठा हुआ एक छात्र उठा और शिक्षक से कहने लगा कि सर, एक बात है। शिक्षक ने पूछा, क्या बात है? कहा कि सर, मेरा अभी कुछ ही दिन पहले जन्मदिन था और जन्मदिन में मेरे पिताजी ने एक बहुत ही महंगी घड़ी गिफ्ट दिए थे और इतनी महंगी थी कि आज तक मैंने ऐसी घड़ी कभी देखा नहीं था। लेकिन अफसोस, अभी कुछ देर पहले जो 5 मिनट के छुट्टी हुई थी, उस समय मैं अपना घड़ी वॉच स्टेबल पे भूल कर चला गया था और जब वापस लौटा हूं तो वो घड़ी नहीं मिल रही है। शिक्षक ने सोचा कि अभी कोई यहां से और गया नहीं है, बाहर कोई नहीं गए हैं, इसका मतलब जो कोई भी रखे होंगे वो इसी क्लास में, इसी कक्षा में है। उनके मन में, एक दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस ढंग से इसकी खोज की जाए कि घड़ी मिल भी जाए और किसने चुराया था ये पता भी ना चले। शिक्षक ने कहा कि बच्चों, सबके गले में टाई है, आजकल सब स्कूलों में टाई पहन के बच्चे जाते हैं स्कूल, सबके पास टाई है या तो रुमाल है, उससे सबके सब अपना आंख बंद कर लो, अपने आंखों में पट्टी बांध लो, दरवाजा बंद कर दिए और सबके आंखों में पट्टी बांध दिए। और शिक्षक एक तरफ से सबके पैंट में, जेब में हाथ डाल करके चेक करने लगे और एक बच्चे के पैंट से वो घड़ी मिल गई और जिसका था, जिस बच्चे का, उसको दे दिया। वो बच्चा खुश हो गया और फिर सब बच्चे पट्टी खोल दिए और जैसे पहले पढ़ाई चल रही थी वैसे चलने लगी। अब इधर जिस बच्चे ने चोरी किया था, वो बच्चा रोज डरता था, कहीं आज मेरी पोलपट्टी ना खुल जाए, कहीं आज मुझे कोई जान न जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं, रोज ऐसे ही करता था। लेकिन संयोग ऐसा कि वो कभी पकड़ाया नहीं, कभी किसी को पता ही नहीं चला कि कौन बच्चा
चोरी किया था। कुछ दिन बाद कॉलेज खत्म हुआ, ड्रॉप आउट हुए, सब अपने अपने काम धाम में लग गए। और जो बच्चा चोरी किया था वो संयोग से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, एक नामी कंपनी का सीईओ ऑफिसर बना, ब्रांड एम्बेसडर उसके पास थी। और वो कई जगहों पर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाने भी लगा। कुछ वर्षों बाद कॉलेज में ही एक फंक्शन था, जैसे एनुअल फंक्शन हर साल होता है कॉलेजों में स्कूलों में, वैसे ही एक बार एनुअल फंक्शन था। कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोचा कि इस बार इन्हें ही बुलाया जाए। वो लड़का आया और सारे फंक्शन में बैठ करके उसका भरपूर आनंद लिया। और निकलते वक्त अपने कॉलेज के प्रोफेसर से वो मिलना चाहा और मिला। जाते ही उसने अपने टीचर के चरण छुए, प्रणाम किया और कहा कि सर आप मुझे पहचाने? कहा बेटा पहचाना तो नहीं। उन्होंने कहा कि सर एक बार की बात है, हमारे क्लास में एक लड़के की घड़ी चोरी हो गई थी और वो घड़ी चोरी मैंने ही किया था, किंतु किसी को पता नहीं चला और खास आपकी वजह से कि आपने किसी को पता चलने ही नहीं दिया। और आज मैं जो कुछ भी हूं उसका सारा श्रेय आपको जाता है। आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है और मैं आपका उपकार जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और इतना कहते हुए वो रोने लगा और अपने प्रिंसिपल से, अपने प्रोफेसर सर से ही गले लग करके कुछ देर तक रोता रहा। कहा कि बेटा जैसा भी हो अब उसे भूल जाओ, लेकिन मुझे खुद भी ये नहीं पता है कि वो तुम थे। उस छात्र को लगा कि सर सबको चेक किए थे, वही घड़ी निकाले थे मेरे पैंट से और सर कहते हैं मुझे भी नहीं पता। उन्होंने पूछा कि सर आपको कैसे नहीं पता? तब सर ने कहा कि बेटा जिस दिन मैं वो चोरी हुई थी और आप सबको कहा कि सब के सब अपने आंखों में पट्टी बांध लो, उस समय मैं खुद भी अपने आंखों में पट्टी बांध लिया था। और वो इसलिए कि जब पता चल जाए तो ऐसा ना हो कि कोई मेरा छात्र मेरी नजरों से गिर जाए। तब उस स्टूडेंट ने कहा कि सर यदि अगर उस दिन पता चल जाता कि मैंने चोरी किया है तो मैं ये सोच लिया था कि घर जाते ही सबसे पहले मैं सुसाइड कर लूंगा, फांसी लगा लूंगा, और आपने उस दिन मुझे क्षमा दान देकर के मेरी जिंदगी बचा ली है। सतगुरु कबीर ने कहा है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्षमा कितना बड़ा है ये हम सबको नहीं पता है, क्षमा करना हम जानते ही नहीं, क्षमा करना हम सीख पाते ही नहीं। और सद्गुरु कबीर इस बात को बड़ी भांति जानते थे कि ये क्षमा कर देना कितनी बड़ी बात है
और इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। जो क्षमा कर देता है वह बड़ा हो जाता है, वो कभी छोटा नहीं होता। उसके लिए कभी किसी के मन में यह भाव नहीं आता कि इन्होंने क्षमा कर दिया मतलब ये छोटा है। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हम जितनी भी गलती करते हैं, हमेशा हम यह चाहते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए। लेकिन जब कोई अगला व्यक्ति गलत कर देता है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो हम जज बनकर तैयार हो जाते हैं। हर जगह हम गलतियां ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं, घर में, परिवार में, अपने व्यापार बट्टे में, समाज में, और कुछ ना हो तो राजनीतिक गलतियां ढूंढने लग जाते हैं। कुछ नहीं मिलता तो इस ये सरकार में ये गलती है, वो सरकार में वो गलती है, ये ऐसा है वैसा है, पता नहीं हम कहां कहां अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम यदि अपने जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें क्षमा करना सीखना होगा और माफी मांगना सीखना होगा। हमसे अगर गलती हो जाए तो हम माफी मांग लें, और दूसरों से गलती हो जाए तो हम क्षमा करना सीखें। क्योंकि ये इतने बड़े सद्गुण हैं, ऐसे सद्गुण हैं कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाते। हम तो केवल गलतियों को ढूंढने में लगे रहते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर गलतियां ढूंढनी ही है, अगर बुराइयां खोजनी ही है, तो अपने अंदर ढूंढें, अपने आप की गलतियों को ढूंढने में समय लगाएं। इससे होगा क्या? इससे अपने ही जीवन का परिमार्जन होगा, अपने ही जीवन में एक अच्छा खुशनुमा जीवन बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तभी हम इस जो छोटी सी जो जिंदगी मिली है, इस जिंदगी को हम सजा पाएंगे और संवार पाएंगे। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को इस ढंग से सजाएं, इस ढंग से संवारें कि लोगों के लिए हम एक आदर्श बन पाए। हम दूसरों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, दूसरों को के जीवन को देखकर हमें लगता है कि वो अच्छा इंसान है, वो अच्छा आदमी है, तो हमें भी अपने जीवन को अच्छा बनाने का काम करना चाहिए, ताकि हमसे भी मिलकर के किसी व्यक्ति की ख्वाहिश पूरी हो सके, कोई यह सोच सके कि हाँ, इसके जैसा मुझे भी अपना जीवन सुधारना है, सजाना है, संवारना है। हम सब का यही कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को जितना हो सके खुशनुमा बनाने का प्रयास करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।